बड़ी खबर आपको ये बता दें कि हरियाणा में 24 अप्रैल को नगर निकाय चुनाव होंगे। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने खबरों तक पूरी जानकारी दी है, हालांकि फाइनल शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा ये भी बताया गया। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर इंतजार अब खत्म होने वाला है। अप्रैल महीने में चुनाव होंगे, 24 अप्रैल को होगा चुनाव, फाइनल शेड्यूल आना अभी बाकी है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम दल भी तैयारी में जुटे हैं। खासतौर पर बीजेपी काफी एक्टिव हो गई है, बैठकों का दौर जारी है। और निकाय चुनाव की शहरी वोट बैंक की आप बात करते हैं तो जाहिर है बीजेपी इसमें मजबूत पहले भी रखी है, अब भी तैयारियों का दौर जारी। तो निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 24 अप्रैल को होगा नगर निकाय चुनाव। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अनिल मोर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का इंतजार था, 24 अप्रैल को होगा निकाय चुनाव। देखिए बिल्कुल, हरियाणा के लिहाज से सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले खबरें अब तक ही बता रहा है कि जो हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जो 51 नगर पालिका और नगर परिषद है जहां पर चुनाव होने हैं, वो चुनाव 24 अप्रैल को हो गए। राज्य चुनाव आयुक्त धर्मपत सिंह की तरफ से जो खास जानकारी है खबरें अब तक से शेयर की गई है। हालांकि जो फाइनल शेड्यूल है, फाइनल शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो फाइनल हुआ है, जो अभी तक तय किया गया है कि 24 अप्रैल को हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होंगे। हालांकि ये संभावना भी है कि जब फाइनल शेड्यूल जारी किया जाएगा तो इस तारीख में थोड़ा मोटा बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल तक जो चुनाव आयुक्त की तरफ से बताया गया कि 24 अप्रैल की तारीख फाइनल कर ली गई है। फिलहाल के तौर पर 24 अप्रैल को ही हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होंगे, क्योंकि ज्योति अगर हरियाणा की बात करें, आने वाले दिनों में 24 अप्रैल को हरियाणा में 51 नगर परिषद और नगर पालिकाएं हैं जहां पर चुनाव होने हैं। और कहीं ना कहीं हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि हरियाणा की फिलहाल की अगर बात करें, हरियाणा में जो पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव काफी लेट हो रखे हैं, और जो पंचायत चुनाव है वो और ज्यादा लेट हो सकते हैं, क्योंकि जो पंचायत चुनाव के जो मामले हैं, फिलहाल हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है, मार्च के आखिरी सप्ताह में भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, तो ऐसे में जो पंचायत चुनाव है और ज्यादा लंबे खींच सकते हैं। लेकिन जो नगर निकाय चुनाव है उनको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से फैसला कर लिया गया, 24 अप्रैल को हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होंगे। अच्छा अनिल, पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी तो लड़ेगी, और क्या गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा बाकी चुनाव की तरह? देखिए बिल्कुल, अगर नगर निकाय की बात करें, क्योंकि नगर निकाय में फिलहाल अब जो चेयरमैन के चुनाव होने हैं वो डायरेक्ट चुनाव होने हैं, और ऐसे में बिल्कुल तय, लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये लगभग तय है कि दोनों दल, क्योंकि गठबंधन सरकार है, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जो चेयरमैन का जो चुनाव होना है ये सिंबल पर लड़ा जाएगा, इसकी भी हालांकि घोषणा बाद में की जाएगी बीजेपी जेजेपी की तरफ से, लेकिन लगभग ये तय है कि जो सिंबल का चुनाव है वो सिंबल, जो चेयरमैन का चुनाव वो सिंबल पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस की अगर बात कर लेते हैं, कांग्रेस में अभी तक इसी को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, क्योंकि दोनों के की तरफ से फैसला लिया जाना कि हालांकि आखिरी फैसला तो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का होगा, लेकिन सभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो मिलकर तय करेंगे कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए या बिना सिंबल के चुनाव लड़ा जाए। अब पार्टी की तैयारियों की बात कर लेते हैं, सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी की तरफ से जो इन नगर निकाय और के जो चुनाव होने, नगर परिषद है, जो नगर पालिकाएं हैं, इनके लिए जो प्रभारी है, पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बकायदा मंत्रियों के जो प्रवास कार्यक्रम है, इन जगहों पर, इन सीटों पर प्रवास के कार्यक्रम तय किए गए हैं संगठन की तरफ से। जो तमाम मंत्री हैं इन सीटों पर जाएंगे और वहां पर कहीं ना कहीं प्रवास करेंगे, और जो लोगों की समस्याएं हैं, जो फिलहाल जमीनी क्या हकीकत है वो जानने की कोशिश करेंगे। जेजेपी की बात करें, जेजेपी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, जिस उस कमेटी में जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह, वो है, दिग्विजय चौटाला समेत जो वरिष्ठ नेता उस कमेटी में है, वो कमेटी भी कहीं ना कहीं नब्ज टटोलेगी, अपने कार्यकर्ताओं की लगातार नब्ज भी टटोल रही है। यानी बीजेपी जेजेपी की तैयारी पूरी है, बकायदा कमेटियां बना दी गई है, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। लगभग तय है कि दोनों दल गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, इसकी औपचारिक घोषणा आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। अब कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये फैसला जो दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा, बीजेपी चूंकि शहरों में मजबूत मानी जाती है, बीजेपी का प्रयास रहेगा शहरी सरकार बनाने का, क्योंकि जब से सरकार में आए हैं कम से कम 2 बाई इलेक्शन जो हुए हैं वो भले ही ना जीत पाए हों, लेकिन जो डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन होगा वो भी कम अहम नहीं है अपने आप में।
देखिए आपने बीजेपी की बात की, क्योंकि हरियाणा में अब तक दो अग्नि परीक्षाएं हुई है, दो बाई इलेक्शन हुए, दोनों में कहीं ना कहीं बीजेपी को, गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो तीसरी अग्नि परीक्षा है, इसमें बीजेपी कितनी सक्सेसफुल होगी आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि शहरों में बीजेपी मजबूत है, बिल्कुल निसंदेह शहरों में बीजेपी मजबूत है, लेकिन अगर निकाय चुनाव की बात करें, जो नगर निगम के चुनाव है, जैसा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम के चुनाव बीजेपी के लिए आसान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं नगर परिषद और नगर पालिका, वहां पर उतना आसान नहीं होता, मामला टफ होता जाता है। और इसी तरीके से क्योंकि जो 51 नगर पालिका और नगर परिषद है, नगर परिषद जो बड़ी नगर परिषद है, वहां पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे जो शहर है छोटे होते रहेंगे, कस्बे बनते रहेंगे, वहां पर बीजेपी की लड़ाई उतनी मुश्किल होती रहेगी। और सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लगभग क्या है घोषणा होनी बाकी है। अगर ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी सीटें किसके हिस्से में आएगी, तो उस हिसाब से फिर देखना होगा कि कितना आसान है। हालांकि जिस तरीके से अगर पिछले दो सालों की बात करें, सवा दो साल का प्रदेश सरकार का कार्यकाल हो गया, अब तक कार्यकाल मोटा मोटा कोरोना में बीत गया, किसान आंदोलन देखने को मिला, तो इन सब चीजों का कितना असर देखने को मिलेगा। और खास तौर से पिछले दिनों जो विकास शुल्क डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाया गया नगर निकायों में, इसका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, तो इसका कितना। बिल्कुल अनिल, कांग्रेस को लेकर बात कर लेते हैं, अंतिम सवाल। कांग्रेस को खुद भी अपने अंदर एक लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कोई भी इलेक्शन को कांग्रेस की गुटबाजी बाहर न आए ये भी संभव नहीं। पिछले मेयर के इलेक्शन की बात करें, अलग अलग नेताओं में भेद दिखे थे, सिंबल पर जाएं, सिंबल पर लड़ें नहीं लड़ें, उसके बाद कुछ नेताओं की ओर से समर्थन भी दिया गया था कहीं जाकर, तो क्या लगता कि गुटबाजी इस बार नजर आएगी या फिर नहीं, ऐसी कोई संभावना? देखिए पिछले दिनों जो मेयर के चुनाव हुए थे, भले ही पंचकुला में बीजेपी जीत गई हो, लेकिन जो अगर दूसरी सीटों की बात करें, उनमें से सोनीपत में कांग्रेस जीत गई थी, कांग्रेस के वहां पर निखिल मदान मेयर बने थे। अब जो नगर परिषद के पालिका के चुनाव होने हैं, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस दो गुट नजर आ सकते हैं। एक गुट चाहेगा कि जो नगर निगम के, जो नगर पालिका नगर परिषद के जो निकाय के चुनाव है, सिंबल पर लड़े जाए, तो दूसरा गुट क्या होता है ये कह सकता है कि सिंबल पर न लड़े जाए। सबसे पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, कुमारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, इन सबको बैठना होगा, सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि जो चुनाव है, क्योंकि जो चेयरमैन का चुनाव है वो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो सबसे पहले कांग्रेस को ये फैसला करना होगा कि चुनाव डायरेक्ट सिंबल पर लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। क्योंकि पार्टी अभी दो मत है, एक मत का कहना है कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इस गुस्से को भुनाया जा सकता है, लोग कांग्रेस के समर्थन में वोट दे सकते हैं। लेकिन एक गुट का ये कहना है कि कांग्रेस जो नगर निकाय के जो छोटे चुनाव है सिंबल पर नहीं लड़ती रही, तो ऐसे में इस रिवाज को नहीं बदला जाना चाहिए। तो ये और कहीं ना कहीं ये भी मानना होता है कि जो छोटे चुनाव होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता है, छोटे नेता है, वो चुनाव लड़ते हैं। अगर एक को चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो दूसरे नाराज हो जाते हैं, तो ऐसे में कहना कि कार्यकर्ता में कोई नाराजगी ना हो, तो ऐसे में सिंबल पर चुनाव न लड़ा जाए। बीजेपी जेजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, लगभग तय है, घोषणा बाद में कर दी जाएगी। और कांग्रेस सिंबल पर लड़े न लड़े, इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, उनकी तरफ से रायशुमारी भी की गई थी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। जी अनिल, बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। बीजेपी का स्पष्ट है कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि कांग्रेस को लेकर अभी इंतजार करना होगा क्या कुछ फैसला हरियाणा कांग्रेस की ओर से लिया जाता है।